हम बात कर रहे हैं रामपुर नवाब की एक ऐसी भूल भुलैया के बारे में जिसका रहस्य आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आइए इस कहानी को अब हम आगे ले चलते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए अब आपको मैं थोड़ा और दिखाता हूँ इसके बारे में। तो ये कलामे पाक आप देख सकते हो जी, हो जाती है। अच्छा, रख दी। हाँ, वैसे ही रख। अच्छा, ये है कि मगर रखना नहीं चाहिए, गलत है। तो मतलब इनको तो एक किसी को में मतलब जी आप कुएं के मारे कुएं में मतलब यही चीज, जबकि जहीर हैं, पढ़ने के लायक नहीं है। मगर नहीं, दूसरे ये है कि यहाँ पे कोई हिफाजत की चीज़ ऐसी है नहीं जो सामान को संभाल के रख दिया जाए जी। हाँ, सब कुछ खुला 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 है, यहाँ पे कुछ रख नहीं सकते। अगर कुछ रखते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है, मिलता ही नहीं। यहाँ पे रखा भी क्या जाए? अब जैसे आप ही लोग यूं करके मान लो, अगर कोई चटाई वगैरह हो तो आप बैठ के आराम से बातचीत करें। सही, बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पे चटाई रखो तो यहाँ से गायब हो जाती है। सब एक लोग ले जाते हैं, अब क्या किसको कह जाए भाई? ये खड़े में मैं खड़ा हूँ, ये मुझे नहीं कह सकते, मैं इनको नहीं कह सकता। ये भी शहीद हैं साहब, ये शहीदों का मतलब आपके साथ के ही भी जी। आपके साथ में मतलब जो जंग में आपकी भी हस्ती बहुत जबर है। जो भी कोई मज़ार है या फिर कोई कब्र है वो अलग तरीके से बना रखी है, अलग एरिया में उसको जगह दे रखी है। और ये भी कुछ ऐसी इस्लामिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी है जैसे पुराने नवाबों के टाइम में बनाई गई थी। तो आइए चलते हैं अब इसको, हम आपको इसके ऊपर ले चलते हैं और कोशिश करेंगे अच्छे से आपको दिखा पाएँ। तो चलिए आइए। तो आइए हम आपको इसकी ऊपर की साइड जो इसकी छत का एरिया है वहाँ ले चल रहे हैं हम। लोगों ने नाम लिख लिख के बिल्कुल बता कर दिया है। तो आइए अब ये है कुछ इसका दरवाज़ा, देख सकते हो यहाँ से सीढ़ी का रास्ता है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो देख सकते हो आप, ये कुछ राउंड टाइप में बना है, ये अंधेरा हुआ जैसे पुराने टाइप में बना हुआ था रास्ता था। तो अभी मैं इसकी छत पे आ चुका हूँ और इसकी छत कुछ यहाँ से कुछ मुझे पता चल रहा है कि पुराने टाइम का बहुत ज़्यादा मतलब ये अभी तो खैर थोड़ा खंडर टाइप का हो चुका है ये। अच्छा, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको पीछे देखा, ये देख रहे हो सीढ़ी टाइप की है, मैं इसके अंदर ले चलता हूँ आपको ऊपर चढ़ के। देख सकते हो आप, इसके अंदर आ चुका हूँ। छोटी सीढ़ी बनी थी, इसके अंदर आया हूँ और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है इसका। देखो आप, ये मेरे इधर पूरा देख सकते हो, एक कब्र उधर है और ये पूरा इधर जंगल ही जंगल है। देख रहे हो आप, पूरा ऐसा लग रहा है कि जंगल टाइप का है पूरा ये एरिया। और ये उधर गाँव है, आप देख सकते हो सहजनी गाँव। ये पूरा पेड़ ही पेड़ है देख सकते हो, और इधर से कुछ ऐसा है और बाकी दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ हैं। मानसून चल रहा है और इसकी सफाई भी होती रहती है, मैंने पता किया था। और ये देखो आप इधर, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है। और ये देखो उधर सामने आप, ये उधर पुराने टाइम का पूरा ऊपर का हिस्सा आ गया है। आप भी चढ़ जाओ आगे। अच्छा, ये बक्से कैसे रखे हैं? तो देख सकते हो आप, अभी मैं यहाँ पे ये इधर से जाने का रास्ता भी बना है। अंदर ही अंदर सुरंग टाइप का बना है और ये भाई हमें लेकर आए, तो काफी हमें सपोर्ट मिल रहा है। ये तो हम काफी चीजें नहीं देख पाते, ऊपर तो नहीं आ पाते। खैर, पता नहीं था हमें ये दरवाजा कोई ऊपर भी गया इसका। और ये कुछ पुराने टाइम के बक्से रखे हैं यहाँ पे। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है, वो सामने गांव है आप देख सकते हो,
सहजनी गांव। और ये जो है पेड़ देख रहे हो नीचे से यहाँ तक पूरी बेले वगैरह, कुछ टाइम बाद ही अंदर तक भी आ जाएंगे अगर सफाई नहीं की गई तो। देख सकते हो यहाँ से दूर दूर तक दिख रहा है। तो इसे सहजनी नानकार कहा जाता है और भूल भुलैया के नाम से ये मशहूर है। तो इसकी बनावट देखो आप, के बिल्कुल यूरोपियन और इस्लामिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है ये पुराने टाइम में। और आज भी इसकी गुम्बदें कितनी सुंदर लगती हैं। अगर इनको मेंटेन कर दिया जाता उस समय या फिर अब भी कर दिया जाए और इसमें थोड़ा काम हो जाए तो बहुत ही सही रहेगा आने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे। और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी गुम्बदें हैं जो कि पेड़ की डालियों से ढक चुकी है, ऐसी इधर बेलों से ढक चुकी है देख सकते हो, ऐसी उधर दूर दूर तक सब ये ऐसे बना है। और ये देखिए आप, ये भी कुछ गेट इस तरीके का बना है देखो आप, पुराने पुराने टाइम का। तो अब इसके ऊपर भी चलते हैं हम। चलिए भाई, तो अभी हम इसके ऊपर जा रहे हैं। चलो चलो, अभी मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ। एक और जगह है ये, और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और ये सामने पेड़ है, इसमें फल भी लगे हैं। ये कौन से फल हैं भाई ये सामने का? ये बलागुन। बलागुन, तो ये बलागुन के फल भी लगे हैं यहाँ पे, बेल जिसे बोलते हैं, बेल जो होती है। तो हाँ, नीचे एक कुआं है आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, लोग बैठे हैं यहाँ पे ताकि गर्मी से बच सकें। तो ये लगभग मेरे ख्याल से इसकी जो ऊंचाई है ऊपर आने के बाद, जैसे मेरी हाइट है वो 6 फीट के आसपास है, तो ये 6 फीट के आसपास, थोड़ा एक इंच के हिसाब से ऊपर भी है ये ऊंचा। तो इतनी ऊंचाई है इसकी, देख सकते हो आप ऊपर से नीचे तक। और अब हम चलेंगे नीचे की तरफ। तो अभी हमें काफ़ी पसीना भी आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि हम आपको अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नदीम भाई हैं, ये हमारी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आने में काफ़ी मदद करी है उन्होंने, खासकर ऊपर आने में। ये भी देखिए एक तरीके का है, ये तार कैसे डाल रखा है रोशनी वगैरह के लिए? हाँ, नीचे रोशनी के लिए। अच्छा, बल्ब वगैरह लगा नीचे, तो नीचे लाइट का भी कर रखा है, यहाँ पे तार डाल रखा है। और पहले तो खैर मशालों से जलाया करते थे जो राजा महाराजा होते थे। ये देखिए आप, ये पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से क्या नज़ारा है। तो ये देखिए आप, यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है कि गुंबदें बनी हैं यहाँ पे, चारों तरफ गुंबदें, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी गुंबदें हैं, बिल्कुल पुराने यूरोपियन और इस्लामिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाई गई हैं। और झाड़ियाँ काफ़ी हैं जिससे क्लियर नहीं दिख पा रहा, लेकिन तब भी कोशिश ये कर रहे हैं हम आपको कि अच्छे से दिखा पाएँ। ये देखिए यहाँ भी कुछ सीढ़ी टाइप की है, तो ये लगभग उसी जैसी है जो हमने आपको दिखाया था। ये देखिए आप, ये पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे। अब हम आगे चल रहे हैं। तो ऐसी कई जगहें हैं यहाँ पे जो हल्की सी सीढ़ी बनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले ये हुआ करता था, शायद सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते थे, यहाँ तक मेरा अंदाजा जो मैं सोचने में मुझे लग रहा है। आप यहाँ पे कितनी झाड़ी जम चुकी हैं देख सकते हैं, पूरा काफी बड़े एरिया बना। तो जहाँ से हम आए थे वो रास्ता यहाँ है, और अब यहाँ से नीचे जाएंगे। उससे पहले यहाँ का आपको थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए पूरी झाड़ियाँ वगैरह, घने पेड़ हैं यहाँ पे, बेले हैं, हो सकता है कीड़े मकोड़े भी हों यहाँ पे। ये देखिए आप, पूरा ये खुले एरिया में, और आज के टाइम में ढक चुका है पूरा, और यहाँ ऊपर भी पेड़ उग चुके हैं देख सकते हैं। तो आइए अब आपको हम नीचे ले चलते हैं।
तो हमने आपको इसके ऊपर का हिस्सा दिखाया, अब हम आपको इसके नीचे ले चलते हैं। तो इस सीढ़ी की ये दीवार है ना, ये छू के मुझे बहुत ठंडी लग रही है, ठंड है बिल्कुल। क्या नाम है, नाम भूल गया उनका, उन्होंने लिया था, वो सामने दिख रहा है। ये रामपुर के आदमी होने, ये तो वो है बालिका इंटर कॉलेज जो बना हुआ है। हाँ 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 हाँ, तो ये स्कूल की जगह बिक गई थी पीछे को। अच्छा। मतलब आम आदमी ने किसी ने बेच दी थी। अब जब वो बेची वहाँ पर तो उसके वो हो गया, केस हो गया उन पर। अब वो उसी चक्कर में वही चीज़ चल रही है अभी तक। तो यहाँ पे घनी झाड़ी जम चुकी हैं बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है अभी। हो सकता है अगर आप यहाँ पे अक्टूबर या नवंबर में हो तो थोड़ा साफ मिले आपको। और बता रहे कि यहाँ की देख रेख एक लेडीज़ हैं, वो करती हैं, तो उनसे अभी तो मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। ये बैठने की जगह है, जैसे जो पहले के सैनिक लोग थे। हाँ। वो बैठने के लिए आड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है ना बारिश के लिए। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सैनिक वगैरह बैठा करते थे उस ज़माने में, और क्योंकि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, एक तरीके से इसके अंदर बैठ जाया करते थे धूप गर्मी से बचने के लिए, अपने आराम से एक शेड के नीचे बैठ जाया करते। तो ये देख सकते हो अभी आप, मैं एक और यहाँ पे ये मज़ार है भाई, कब्र है, कब्र है, मज़ार। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई? हमारा नाम शाहनवाज। शाहनवाज भाई, आप इसी गांव के? हाँ, यही शहर में। अच्छा, तो आपको कुछ पता है इसके बारे में, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को नहीं पता हो? जो लोगों को नहीं पता हो, पता बस ये चीज़ बनी हुई है, आप सामने है, नवाब साहब की, बहुत पुरानी है। भाई, अब आपको ले चल रहे हैं हम एक और, यहाँ पे कुछ पुरानी बिल्डिंग टाइप की बनी है, तो उसके पास चल के आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं हम। अब आकर हम लोगों ने सफाई करी थी ना, ये देखो मस्जिद, पहले नहीं पता था लोग, पहले पता ही था, झाड़ी है। तो ये भी एक मस्जिद की जगह निकली है, जब इन लोगों ने सफाई करी यहाँ पे तो इनको पता चला कि ये भी कोई मस्जिद का हिस्सा है। तो आइए, आपको दीवारें हैं देख सकते हो आप, जो कि अब टूट चुकी हैं, थोड़ा हिस्सा रह गया इनका बुनियाद जो है, ये इधर भी देख सकते हो आप। और ये पूरा एरिया अब झाड़ियों में तब्दील हो चुका है, झाड़ियाँ हैं चारों तरफ। ध्यान रखें जब भी आप यहाँ आए, कीड़े मकोड़ों से और छोटी मोटी चीज़ों से, और उससे सांप वगैरह भी निकला है, तो उनसे बचने के लिए कभी भी आएँ आप, तो फुल स्लीव, फुल जीन्स और शूज़ वगैरह पहन कर आएँ, जिससे आपके लेग्स जो हैं सुरक्षित रहें, क्योंकि लेग्स सुरक्षित रहेंगे तभी आपकी पूरी बॉडी सुरक्षित रहेगी। तो अगर आप अंधेरे में आओगे यहाँ पे तो अंधेरे में मत आना, काफ़ी डरावना टाइप का भी बनाइए थोड़ा। हाँ भाई, छोटे रात को